साइकिल सजाएंगे और वहाँ कार्यक्रम करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि असामाजिक तत्व को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाए, संविधान की रक्षा हो। जो उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में योगी बाबा कर रहे हैं, वैसे पूरे देश के सरकार को होना चाहिए। विधि विधान से चला जा रहा है, लेकिन योगी जी ही आएंगे। जो राम को लाए हैं वो योगी जी को तुरंत लाएंगे। यही सत्याग्रह आंदोलन का भूमि है ढाका, और इसी ढाका से हम लोग जो है योगी बाबा के समर्थन में साइकिल यात्रा लेके निकल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम धीरेन्द्र दुबे हुआ, जो हम ढाका पूर्वी चंपारण से साइकिल यात्रा करके उत्तर प्रदेश के सारे विधानसभा में भ्रमण करेंगे योगी जी के प्रचार प्रसार में। और प्रचार प्रसार करने के बाद योगी जी से मुलाकात करके हम लोग को यहाँ आना है, और आप लोग वहाँ से लौटेंगे? वहाँ हम लोग को रहना है, डेढ़ महीना वहाँ रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद ही वहाँ से हम लोग को लौटना है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से दोबारा आ रहे हैं? योगी जी को आना ही है, इसमें दोबारा चुनने की कौन सी बात है। योगी जी को वहाँ का जनता फिर से चुन लिया, ये तो एक आदमी ये कहावत है कि ये विधि विधान से चला जा रहा है, लेकिन योगी जी ही आएंगे। जो राम को लाए हैं वो योगी जी को तुरंत लाएंगे। मेरा नाम भानु प्रताप नाथ सिंह है, और मैं वर्तमान में एक समाज सेवी और राष्ट्रवादी बॉर्डर के क्षेत्र में राष्ट्रवादी समस्या जो भी होता है उसको मैं सरकार तक पहुंचाता हूं। आज हम लोगों का कार्यक्रम है विस्तारवाद नीति का विरोध करो, जो जाति पाति में विभाजित कर इस देश के गरीब युवाओं का दमन शोषण कर रहा है, उनके विरोध हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी समय है और महंत बाबा योगी जी के समर्थन में जा रहे हैं कि राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती मिले, वहाँ जो है योगी बाबा का सरकार आए और राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ योगी बाबा का जो व्यक्तित्व रहा है और जो सरकार के वहाँ का जो है काम काज करने का जो शैली रहा है वो इतना अच्छा रहा है, उसी के माध्यम से पूरे देश में ऐसा ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में योगी बाबा कर रहे हैं, वैसे पूरे देश के सरकार को होना चाहिए। बाबा के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हम लोग एक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में साइकिल सजाएंगे और वहाँ कार्यक्रम करेंगे, लोगों से आग्रह करेंगे कि असामाजिक तत्व को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाए, संविधान की रक्षा हो। योगी को उत्तर प्रदेश का पीड़ा नहीं देखा गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक गोरखपुर के महंत को प्रदेश का सूबे का जो है चौकीदार बनाकर बैठाया है। उसी चौकीदार के समर्थन में इस चंपारण की नीले की क्रांति की धरती और यही सत्याग्रह आंदोलन का भूमि है ढाका, और इसी ढाका से हम लोग जो है योगी बाबा के समर्थन में साइकिल यात्रा लेकर निकल रहे हैं। जय श्री राम।